तो ये आज़ादी जो मुल्क को प्राप्त हुई उसके लिए अनेकों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, अनेकों ने याचनाएँ सही, और उनमें बाबा अवतार सिंह जी ने भी इस देश की आज़ादी के लिए अपना पूर्ण योगदान दिया। आप में से अनेकों जानते भी हैं कि इसके लिए उनको भी जेल में रखा गया था। तो इसी तरह से और भी कई महापुरुष संत जो आज भी मौजूद आपको बुजुर्ग कई मिलेंगे, जिन्होंने उस आज़ादी की लड़ाई में अपना पूर्ण हिस्सा लिया, एक शांति की राह पर चलते हुए एक नॉन वायलेंस को अपनाकर। तो आज जब हम उस आज़ादी का जिक्र करते हैं तो एक तरफ वो कुर्बानियाँ और एक तरफ आज हम हालत देखते हैं कि आज उसकी क्या कीमत डाली गई, आज किस तरह से बिगाड़ने पर सभी तुले हुए, आज किस तरह से इंसान अपने मार्ग से भ्रष्ट होकर अपने सही मार्ग को छोड़कर हैवानियत के रास्ते पे चल पड़ा। आज जो कर्तव्य निभाने इंसान को देश के प्रति, मुल्क के प्रति, समाज के प्रति, उनको किस ढंग से ये अपना रहा। इसके बावजूद हमने देखा कि तरक्की तो हुई, अनेकों पहलुओं में तरक्की हुई, लेकिन वास्तविकता में ये कहीं और ज़्यादा हो सकती अगर सभी अपने कर्तव्यों की पहचान करते, अगर वही जज्बा रखते, उस वक़्त का जज्बा कि कहीं कोई एक के लिए नहीं करता, कोई अपनी श्रेणी के लिए, अपनी जाति के लिए नहीं करता, करता है तो सभी के लिए करता है, सभी वसनीकों के लिए करता है, सभी देश के निवासियों के लिए करता है। तो ये जज्बा जो समुचे तौर पर सभी के बारे में सोचा हुआ, इसकी आज हमें कमी नज़र आ रही है। तो एक तो वो आज़ादी का आज हम जिक्र कर रहे हैं, दूसरी तरफ आज़ादी जो इस आत्मा की, उसका भी आकर ने जिक्र सुना कि किस तरह से ये मानव जो बंधनों में फंसा हुआ मानव, ये इंसान जो आवागमन के बंधन में पड़ा हुआ, ये जो भ्रमों में पड़ा हुआ, ये कैसे संसार में विचरण करता है जिसमें बंधन ही बंधन और बंधन पड़ते जाते हैं। तो महापुरुष संतों ने इस संसार के मानव के इस बंधन को काटा, जिन्होंने महात्माओं की शरण ली, उनको एक ऐसी सोझी प्रदान कर दी, एक ऐसी दृष्टि प्रदान कर दी जिसमें उन्होंने देख लिया कि कौन कहां पर बंधन डालने वाला है, और उसको हटाते गए हैं, उससे अपने आप को बचाते गए हैं। तो ये आत्मा जो का कल्याण जो है वो परम आत्मा के साथ जुड़कर प्राप्त होता है, इसको मुक्ति प्राप्त होती है जब इस प्रभु निराकार परमात्मा की सार को जानता है, जब इस सच्चाई को ये आत्मा जान लेती है, तब इसके ये आवागमन के बंधन छूट जाते हैं।